जय हिंद गाइस, फिर से एक क्वेश्चन फ्रॉम Q&A। जॉक स्ट्रैप, सपोर्टर, लंगोट अगर आप जिम में नहीं पहनोगे तो जो आपका स्क्रोटम है, पाउच जिसमें टेस्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर पानी भर जाएगा। लोग यहां तक बोलते हैं कि आपको हर्निया हो सकता है अगर सपोर्टर नहीं पहनोगे तो। इसी चीज को आज मैं क्लियर करूंगा आप लोगों के सामने कि सच में ऐसा कुछ है, सच में हमको जरूरत है पहनने की, और पहनने की जरूरत है तो कब पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए। देखते रहिए स्टूडियो का एंड तक। दिस इज शिवम दुबे साइनिंग इन टू योर फिटनेस स्टोरीज एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि पानी कैसे भर जाता है यार। आपका स्क्रोटम जिसके अंदर टेस्टिकल्स होते हैं, जो पाउच होता है, उसमें पानी भर जाएगा अगर आप सपोर्टर या फिर लंगोट पहन के नहीं जाओगे जिम में तो। कैसे यार, हाउ इज दिस पॉसिबल? मुझे बताओ, समझाओ मुझे, कौन लोग ऐसा बोलते हैं, कहाँ से आता है, या खुद ही अपने मन से बीमारी क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं ये नहीं पहनोगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसा फैला दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज टोटली रॉन्ग। पानी नहीं भरता यार, सूजन के कारण उसमें डैमेज अगर हुआ है, किसी तरीके से डैमेज पहुंचा है आपके टेस्टिकल्स पे, स्क्रोटम पे, तो वो सूज जाता है, ठीक है, सूजन, इन्फ्लेमेशन आ जाती है उसके अंदर, लेकिन पानी नहीं भरता है भाई। ये चीज क्लियर कर लो। दूसरी चीज, एब्डोमिनल वॉल अगर आपकी वीक है, ठीक है, जो हर्निया की बात करते हैं ना लोग, एब्डोमिनल वॉल अगर आपकी वीक है, आपका कोर एरिया जो है पेल्विक तक वीक है अगर एब्डोमिनल वॉल, तो सपोर्टर पहनो, लंगोट पहनो, जॉक स्ट्रैप पहनो या ना पहनो, हर्निया होगा ही आपको। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको हर्निया होता है वैसे तो, लेकिन अगर आपकी एब्डोमिनल वॉल वीक है ना भाई, तो किसी भी तरीके का सपोर्टर, किसी भी तरीके की पकड़ आपको हर्निया से नहीं बचा सकती है। बेसिकली हर्निया होता क्या है, कैसे होता है, आपकी अगर एब्डोमिनल वॉल अगर आपकी वीक है तो क्या होता है, जब हम हैवी लिफ्टिंग करते हैं, सपोज करो स्क्वाट मार रहे हैं, ठीक है, तो इंटेस्टाइन पे प्रेशर पड़ता है क्योंकि एब्डोमिनल वॉल वीक है, इंटेस्टाइन को वो कैरी कर नहीं कर पा रही है, तो इंटेस्टाइन वो एब्डोमिनल वॉल फाड़ के बाहर आ जाती है, ठीक है, इसको कहते हैं हर्निया। बहुत कम लोगों की एब्डोमिनल वॉल वीक होती है, तो ये दो केसेस थे, ठीक है। आपको सपोर्टर नहीं बचाएगा, आपको जॉक स्ट्रैप नहीं बचाएगा, पानी वाली बात टोटली मिथ है, ठीक है। अब सर फिर पहनते क्यों है एथलीट, पहनना क्यों जरूरी है? हमने तो देखा है ना, पहनते हैं बड़े बड़े, आप क्या बोल रहे हो, हमने बड़े बड़े एथलीट्स को देखा इवन हमारे जिम में, वो भैया, उनकी इतनी भयंकर बॉडी है, वो भी सपोर्टर पहन के आते हैं। तो अब बात करते हैं कि पहनना कब चाहिए आपको। तो आपको सपोर्टर तब पहनना चाहिए जब आप किसी ऐसी स्पोर्ट एक्टिविटी में इंगेज्ड हो जिसमें आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मूव कर रही है। रग्बी हो गया, जैसे आप एथलीट हो, आप रनर हो बहुत बड़े, आप रनिंग करते हो, या फिर आप कार्डियो कर रहे हो तो बहुत हाई स्पीड से ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, या फिर साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है, इसमें बॉडी मूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस केस में क्या होता है, जो स्क्रोटम होता है हमारा, जिसके अंदर टेस्टिकल्स होते हैं, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको स्क्रोटम वर्ड याद आ जाए, वो पुराना वर्ड यूज़ नहीं करना है हर बार, जिसमें टेस्टिकल्स होते हैं, वो बहुत स्पीड से हिलते हैं, तो ऐसे में खतरा बढ़ जाता है टेस्टिकल्स के डैमेज होने का। इस कारण से सपोर्टर पहनते हैं, और हम लोगों ने बातें फैला दी हैं, अरे पानी भर जाएगा, हर्निया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दूसरी चीज, आप जिम में अगर, अब आपको मैं बता दूं, जिम में अगर आप सपोर्टर पहन रहे हो ना, जॉक स्ट्रैप पहन रहे हो, लंगोट पहन रहे हो, ठीक है, अंडरवियर, अंडरवियर के ऊपर सपोर्टर, जॉक स्ट्रैप, लंगोट, टाइट से आपने एकदम बांध रखा है उसको, तो ऐसे में क्या होता है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऐसे में आपके टेस्टिकल्स जो डैमेज होने के का खतरा बढ़ जाता है। कैसे, सोचो आसपास कितनी ज्यादा हीट हो जाती होगी स्क्रोटम के। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, लंजेस मार रहे हो, कंपाउंड मूवमेंट ले रहे हो, डेडलिफ्ट मार रहे हो, स्क्वाट कर रहे हो, ठीक है, जितनी भी कंपाउंड मूवमेंट है, आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उस केस में स्क्रोटम के आसपास कितनी ज्यादा हीट हो जाती होगी, क्योंकि आपने बांध रखा है उसको लंगोट से, आपने जॉक स्ट्रैप पहन रखा है, सपोर्टर पहन रखा है, और उसके नीचे आपके अंडरवियर है, तो हीट बढ़ जाती है। हीट बढ़ जाने के कारण आपके टेस्टिकल्स डैमेज हो सकते हैं, आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। नहीं भरोसा है तो आप गूगल करके पढ़ सकते हो, स्टडीज हो चुकी हैं काफ़ी। आपका जो, आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं उसके आसपास हीट होने की वजह से स्पर्म काउंट कम हो सकता है, तो आपको फायदा नहीं है सपोर्टर पहन के जिम में, आपको उल्टा नुकसान है। सपोर्टर कब पहनना चाहिए वो मैं बता चुका हूँ,
तो नहीं पहनना है आपको जिम में सपोर्टर जॉग स्ट्रैप या लंगोट, ठीक है। आपको कब पहनना है, जब आप रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, कोई ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एंगेज्ड हो जिसमें बहुत ज़्यादा बॉडी हिल रही है, बहुत ज़्यादा स्क्रोटम हिल रहा है, तब। अदरवाइज वो डैमेज हो सकते हैं टेस्टिकल्स और सूजन आ जाती है, फिर हम सूजन देख के बोलते हैं अरे इसमें पानी भर गया। नहीं, इतनी सी बात थी। और भाई आप सभी लोगों से प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, DM जो सेक्शन होता है ना, डायरेक्ट मैसेजेस का, पूरा भर चुका है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, पर्सनल क्वेश्चंस हैं, उनको लिख के रख लो, ठीक है। संडे Q&A लेता हूँ, उसमें पूछ लिया करो, प्लीज़ यार थोड़ी सी दया कर लो मेरे पास। मतलब वो तो खैर मेरी ही गलती है, मैंने आप लोगों से बोल दिया DM में और इंस्टाग्राम, तो सब छोटे मोटे क्वेश्चन, हाय हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, लगातार भाई 500-600 DM डेली के आ रहे हैं। तो आई एम सो सॉरी भाई, मैं अगर रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों को, कोई ज़रूरी क्वेश्चन है ऐसे में वो बेचारा नीचे चला जाता है, मिस हो जाता है, और फिर वो बंदा गुस्सा हो जाता है, गाली भी दे देता है। हाँ तो प्लीज़ भाई आप संडे लिख लो, और संडे Q&A जब लेता हूँ मैं, उस समय पूछ लिया करो। ये वीडियो था आप लोगों को ये बताने के लिए कि सपोर्टर नहीं पहनना है आपको जिम में, कब पहनना है क्लियर हो गया होगा, और योर चौकी इज मोर देन इनफ। मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, दिस इज शिवम दुबे, साइन आउट।